नाराज नहीं होते। देखना ए, मुझे बड़े वाले कैप्टन साहब की कसम है, तेरा सीन अब रिकॉर्ड करूंगा पक्का। नहीं ए, अच्छा मनु कसम है, मेरे अबे की कसम ए, तेरा हूं सीन रिकॉर्ड कर। तेरी इस भरपूर जवानी की कसम तेरा सीन मैं रिकॉर्ड करूंगा। मैं थोड़ा सा ना जज्बाती डायरेक्टर हूं। नहीं जरा हुस्न में थोड़ा सा मैं बह गया था, ज्यादा ही बह गया था। अच्छा सुन सुन, मनु ने तेरे 1.5 लाख रुपए दी कसम, उस जबरदस्त हूं तेरे मैं सीन रिकॉर्ड करने, और तुम देखो तो सही करूंगा क्या मैं। मैंने तो तुम्हें 1.5 लाख रुपए दिया हुआ है ना, लेकिन लास्ट चांस है, मेरा सीन A1 होना चाहिए ताकि रिश्ता पक्का हो जाए। हां नो पक्का, एलएफसी ला के पक्का करूंगा मैं। अच्छा ठीक है, नहीं नहीं चले चल। सीन ऐसा है कि आप डॉक्टर हैं और ये मोहतरमा मरीज है, ये आती हैं आपके पास और कहती हैं डॉक्टर साहब मुझे बहुत तेज बुखार है, और आप आगे से कहेंगे शबो तुम्हारा बुखार मैं ठीक कर दूंगा चाहे मेरा जनाजा उठ जाए, उसके बाद आप इनकी नब्ज चेक करेंगे, नब्ज ही चेक करनी है, नब्ज चेक करके आप कहेंगे ओह माय गॉड इन्हें तो वाकई बहुत तेज बुखार है। आप फटाफट कागज कलम पे इन्हें दवाई लिख के देंगे और वो कागज इनको देंगे और कहेंगे जाइए और जल्दी से जाकर ये दवाई ले लीजिए, ये मुस्कुराएंगी और यहां से चली जाएंगी, और उसके बाद आप गहराइयों में खो जाएंगे कहीं, और फिर उसमें एनगार आपका एक जबरदस्त किस्म का शिपैक डुएट सॉन्ग होगा। ओके जा, ओके डन करो, टेक करेंगे। गुड, आपको तो नहीं इंजेक्शन की जरूरत। हाँ जी ऑडियो, ऑडियो के सर। हाँ रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर ओके, पानी ओके, पानी ओके, ठीक हो गया। हाँ जी कैमरा रोल, रोल एक्शन। डॉक्टर साहब मुझे बहुत तेज बुखार है। कुर्बान जाऊं, नब्ज तो चेक करवाओ। ओके सर, क्या हो गया सर जी, उसको चेक करने दे, वो कौन सा सचिन मुची का डॉक्टर है। सीन तो सचिन मुची का ना। तुम्हें शर्म ही नहीं आती है तो क्या तुम बेहुदा बेहया इंसान हो, अपनी तरफ से जग लेके खड़ा हुआ पानी का, तो तुम्हें गैरत नाम की तो तुम्हें कोई चीज ही नहीं है ना, नहीं है ना, नहीं है, मुझे पता है नहीं। अपनी तरफ से ही तुम डॉक्टर रिफ्लेक्टर मैन बने हुए हो, तो तुम्हें कोई गैरत है। ओ भाई ये पेशेंट है, नब्ज चेक करनी, तुमने तो उसका हाथ ही पकड़ लिया। कैप्टन साहब ये सीन में दोबारा कर लेते हैं, अब मैं डॉक्टर की एक्टिंग सही करूंगा। कितने अच्छे हो तुम डॉक्टर। मैं समझता हूँ आप दोनों के जज्बात हैं, लेकिन अभी सीन करना है ना, सीन करते हैं, ठीक से करना है। अच्छा। आप भी जरा एहतियात से करें। हाँ जी रोल, यस रोल एक्शन। डॉक्टर साहब मुझे बहुत तेज बुखार है। मैं कुर्बान, मेरी नब्ज चेक करें। नहीं ना डायरेक्टर साहब गुस्सा करते हैं। ओ मैंने कब गुस्सा किया, कब गुस्सा, कब गुस्सा किया मैंने? नहीं 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 मैंने कभी गुस्सा किया, आपने मुझे गुस्सा में देखा, गुस्सा क्या होता है और मुझे पता ही, मैंने पति देखा ही नहीं गुस्सा कभी, देखा कभी क्यों बताओ मुझे, कभी गुस्सा किया मैंने, कभी तुमने मैं देखा मुझे गुस्सा में देखा है, नहीं ना देखा, तुम बताओ है? और कभी गुस्सा किया मैंने, किया कि नहीं किया, नहीं किया कि नहीं है, नहीं कभी गुस्सा नहीं किया, नहीं किया। मैंने कभी गुस्सा किया,
तुम तो गवाह बना। हाँ। कभी गुस्सा किया मैंने? नहीं। कैप्टन साहब जी, अब सही सीन करूंगा मैं। अब सही से आपने सीन करना है। कैप्टन साहब, you are so sweet. स्वीट स्वीट सही। हाँ ठीक, सर सीन करेंगे ना? ठीक है कैप्टन साहब, सही होगा। ठीक हो। कौन है तुम? सब्जी वाला। कैमरा मैन हूँ सर, मैं कौन हूँ? और ओके जी, कैमरा रोल, कैमरा रोल, एक्शन। डॉक्टर साहब, मुझे बहुत तेज बुखार है। कुर्बान जाऊं? मेरी नब्ज तो चेक करें। नहीं, आप मेरी नब्ज चेक करें। क्यों? वो डायरेक्टर साहब माइंड कर जाएंगे ना। अच्छा ओके। आप बताएं, मेरा माइंड है? नहीं। तो फिर मैं माइंड कैसे करूंगा? उठे आप, गेट अप गेट अप गेट अप, यहां पर आइए। मैं आपको बताता हूं डॉक्टर की एक्टिंग कैसे होती है। इधर खड़े होकर देखें आप। डॉक्टर साहब, मुझे बुखार है। ओ, आपको बुखार है? लाइए नब्ज चेक कराइए। ओ माय गॉड, आपको तो 183 बुखार है। बताइए अपना नाम बताइए। खुशी। खुशी। एज? 20। बहुत छोटी हैं आप, अपना ख्याल रखा करें। जरूर। ठंडा शरबत बिल्कुल नहीं पीना। ठीक है। खाने के बाद सोना नहीं। ओके। ठीक है। रात को सोने के बाद ये दवाइयाँ आपने खानी है। ठीक है? ठीक है। फीस 600 रुपए। वो मेरे जूस के भी तो 150 रुपए थे ना। अच्छा, 150। तो चलो ऐसा करें, आप बाकी के दे दें। हाँ। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है। इस तरह करना आपने सीन। ओके ठीक है कैप्टन साहब। रेडी? डन डन। कैमरा रोल, कैमरा रोल। बोलो तुम इधर क्या कर रहे हो? कैमरा मैन सर। तो इधर क्यों आए हो? सर आपने खुद कहा कैमरा रोल। किधर है? स्टूडियो में। तुमने बताया नहीं ना, प्लेसिंग तुम ख्याल तुमने रखना था। ओ, चलो 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 चलो, उधर से आप फ्रेम में आ रहे हैं। मैं फ्रेम में आ रहा हूं? चबल्स, किसने बताना था मैं फ्रेम में आ रहा हूं? जी रोल रोल एक्शन। डॉक्टर साहब, आप कितने स्वीट हैं। कसम खाओ। मोना, स्क्रिप्ट में ये लाइनें थी? नो सर, मुझे आपके MBBS की कसम कि आप कितने खूबसूरत हैं। मेरी अम्मी भी मुझे यही कहती थी। हाँ सर जी, इधर तो लैला मजनू की स्टोरी शुरू हो गई है। डॉक्टर साहब, आपने कभी प्यार किया है? नहीं। इनकी तो दुनिया ही बदल गई है। आप क्या जाने प्यार क्या होता है, मोहब्बत क्या होती है, इश्क क्या होता है। ये तो वो चीजें हैं जिनसे मैं महरूम हूँ। कैप्टन साहब, ये तो सीन के अंदर एक और सीन शुरू हो गए। मोहब्बत के कितने रंग होते हैं, ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। मैं आपको सिखाऊंगी डॉक्टर साहब। तुम्हें क्या पता दुनिया के रंग क्या होते हैं? मैं तुम्हें बताऊंगी दुनिया के रंग क्या होते हैं। फिर मैंने भी एक फैसला कर लिया है खुशी। क्या? अगर तुम राजी हो तो मैं अमेरिका वाला रिश्ता कैंसिल कर दूं। अगली दफा तो डॉक्टर का रोल ये मैं खुद ही करूंगा। सचमुच में कैंसिल करना, ये सीन नहीं है। काश ये सीन मैंने किया होता। सीन आउट ऑफ दिस
सीन हो गया। वाकई ये सीन अब सीन नहीं रहा। मजे कर गया तू तो डॉक्टर। माशाल्लाह नजर ना लगे, जोड़ी तो अच्छी लग रही है। काम कोई डेंजर ही हो गया सर। मैंने हमेशा सुना है कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं, ये तो स्टूडियो में बन गए। यू आर राइट। प्रॉमिस प्रॉमिस। स्टोरी का तो ट्रैक ही डिंगा हो गया। कट। ये क्या इधर मनसूबा बंदी हो रही है? ये पेंसिल शर्ट मुझे अच्छी लगी है। ये डॉक्टर भी मुझे अच्छा लगा। अच्छा तो फिर अपना अमेरिका जाने वाला प्लान? अमेरिका वाला प्लान कैंसिल। प्लान कैंसिल? तो क्या करने लगे हैं बाप? शादी। असली वाली शादी करें सीन वाली शादी करें? असली वाली। असली वाली। हाँ। शादी की मूवी मुझसे बनवाओ। हाँ ठीक है ठीक। डॉक्टर साहब मुझे बुखार है और बहुत तेज बुखार है। तो अच्छी बात है ना, मैं क्या करूं? जी आप मेरी नब्ज तो चेक कीजिए। ओह माय गॉड, आपको तो प्यार वाला बुखार है। डॉक्टर साहब आप मेरे लिए कुछ दवाई लिख के देंगे? जी बिल्कुल है, किसी पार्क में जाएं, गाना गाएं, सैर सपाटा करें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सच्ची? बिल्कुल। डॉक्टर साहब किराया कौन देगा मुझे? कट एंड ओके। ये होता है मरीज और डॉक्टर वाला सीन। थैंक यू डायरेक्टर साहब, मुझे बताओ कि मैंने कैसी एक्टिंग की है उस लड़की की जगह। डायरेक्टर मजबूत हो ना तो आर्टिस्ट बेहतरीन एक्टिंग कर लेता है। मैं कैसा लग रहा हूँ डॉक्टर के गेटअप में? तुम्हें गेटअप दिया किसने? इस डायरेक्टर ने? उस डायरेक्टर ने नहीं। यार बात सुनो, हम तीनों मिलकर प्रोडक्शन हाउस ना खोल लें। भाई उसका मैं जीएम होगा और ये पीएम और तू डायरेक्टर। आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम दफ्तर कहाँ बनाएंगे? यार ये स्टूडियो के साथ खाली जगह है ना, यहाँ पे अपना स्टूडियो बनाएंगे, यकीन कर बड़ी फिट जगह है। आइडिया तो बहुत अच्छा है। अबू तू क्यों खामोश बैठा हुआ है? मैं कैप्टन से गिरफ्तारी नहीं कर सकता। तो फिर सारी जिंदगी तू तरक्की भी नहीं कर सकता, बस सारी जिंदगी यूं बस मुंह हिलाते रहना। खुशी चलेगी हमें छोड़ के है? वो कुल्फी के मुंह वाला है और डॉक्टर बनने आया था। डॉक्टर तो खुशियां देते हैं, सारी खुशियां ना ही ले आ गया। अगर इजाजत हो तो मैं अपना थोड़ा सा फ्लैशबैक में चला जाऊं। वैसे मिल्क शेक का भी बड़ा ट्रेंड है। मिल्क शेक मुझे पसंद नहीं है। कॉफी चलेगी इतनी गर्मी में भी? चलो। कैप्टन जी। जी इनको ड्रॉप करने के बाद आप मुझे भी ड्रॉप कर दीजिएगा। आप फरमाएं और मैं ना मानूं फिर मैं किस चीज का कैप्टन? मेरा दिल करता है कि मैं आप दोनों को इकट्ठा ही ड्रॉप कर दूं, आप दोनों के अपने अपने घरों में, अगर इजाजत दें तो। सो नाइस ऑफ यू। खुशी खुदा हाफिज तेरा, तुम जाके उसकी ठंडी ठंडी गाड़ियों में घूमो, साढ़े नसीबत जो गर्म कोट ही ने। खुदा हाफिज खुशी, गम वेलकम वेलकम। नहीं 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 नहीं, ये किसको कह रहा है? नहीं नहीं नहीं, वो यार मुझे तो नहीं पता, मैंने तो इससे कोई बात ही नहीं की। किसको कह रहे हो नहीं नहीं नहीं? कप्तान से गर्दारी।
कप्तान की मौत है। भूम साहब खैर तो है, बड़े जज्बाती हो गए हो। लगता है 2 महीने हो गए गाँव नहीं गया। और रिफ्लेक्टर हो वो, एक कप्तान छुट्टियां करेगा तो हम भी छुट्टी करेंगे ना, समझा कर ना। आप जो मर्जी कह ले, मैं कप्तान के साथ हूँ। ओए भूम साहब, और फिर भूखा ही मरेगा। असल में बात ये है ना कि कैप्टन साहब के पास मेरे 2 महीने की तनख्वाह है, जब तक वो मुझे नहीं मिल जाती मैं गद्दारी नहीं कर सकता। ओ भूम, भाई हम कौन सा अब गद्दारी कर रहे हैं, और हम भी 2 महीने बाद ही करेंगे। हाँ भाई बूम, रिफ्लेक्टर, ओ भाभी, ओ कितने हो सारे? कप्तान साहब हम यहाँ 10 मिनट से खड़े हैं। आई एम सॉरी, असल में मैं खुशियों के जाने की वजह से गमजदा था। खैर अपना वो जो डॉक्टर वाला सेट नहीं हमने लगाया हुआ था, उसको ऐसा करो उतार दो, फेंक दो कहीं उतार के, और फिर मुझे रिपोर्ट करो जल्दी। शाबाश, काम पे लगो। ठीक है कैप्टन साहब, चलो। यार चल ना। नहीं जाना मैंने। और तुझे भी कैप्टन साहब ने कहा है? मुझे कैप्टन साहब ने नहीं कहा। तो सामान कौन उठाएगा, चला मेरे साथ। खुशी, तेरे जाने के बाद तेरी याद आई। फरमाइए। ये प्रोडक्शन हाउस आपका है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये जाती मेरा है। आप रिकॉर्डिंग्स करते हैं? ओह सॉरी, आप सिर हिला रहे हैं, इसका मतलब आप रिकॉर्डिंग नहीं करते। क्या करते हैं आप? जी हम रिकॉर्डिंग ही करते हैं, और क्या करते हैं? आप सिर हिला रहे थे, लगता है आप रिकॉर्डिंग नहीं करते, और सिर जिस तरह हिला रहे थे लगता है आपने जिंदगी में कुछ नहीं किया। आप जिस मकसद के लिए आए हैं वो मकसद बयान करें। मैंने रिकॉर्डिंग करवानी है, आपके पास कोई खाली डेट है? मैं चेक करके बताता हूँ। बहुत ही मुश्किल है भाई, शेड्यूल बहुत टाइट है। शादियों का सीजन भी नहीं है तो फिर भी शेड्यूल इतना टाइट है? बात वो नहीं है, असल में जो मेरे पास फाइल है ना वो सारी खातों वाली है, असली जो नंबर वाली फाइल है ना वो कैप्टन साहब के पास है। इतनी देर से तू मेरा मगज कपा रहा है, क्योंकि खर्चे वाली फाइल पे लेके जा रहा है, तेरा मगज काम करता है? क्या है, क्या है, क्या क्या मतलब? क्या है इसमें? रिकॉर्डिंग करवा रहा हूँ। आराम से बैठ, आराम से बैठो। आप तो शरीफ रखे ना, उन जबरदस्त किस्म के आप तैयार हो गए, बैठ जाए प्लीज प्लीज। मुझे पहले क्यों नहीं बताया, बाद में पूछता हूँ मैं तुमसे। जी तो आप कुछ रिकॉर्डिंग की बात कर रहे थे। यार मेरा निकाह है। आपका निकाह है? तो पहले निकाह कर ले, रिकॉर्डिंग बाद में कर लेंगे। अब हमें यहाँ भी ले जाना, सुबह से रोटी नहीं खाई। ओहो, रोटी वाला निकाह नहीं है? रोटी वाला निकाह बगैर रोटी के निकाह है? बगैर रोटी के निकाह जी, छुआरे हैं सिर्फ, कोई बात नहीं, छुआरे भी खा लेंगे हम। रेडी भाई, मेरा निकाह है, रिकॉर्ड करना है अभी अभी। इत्मीनान कीजिए, जितनी जल्दी आप ये निकाह की बात कर रहे हैं उतनी जल्दी तो चाय भी नहीं पी सकते हम। दिस मैन, यार मेरा निकाह है, मुझे रिकॉर्डिंग की डेट मिल सकती है? एक रिकॉर्डिंग की डेट तो दे मुझे। डेट ही डेट, आप बस दिन बताएं हमें,
हम बस फारिग ही बैठे हैं, आप देख सकते हैं। रेडी वन। यार ये चावल जो है ये कह रहा था कि शेड्यूल ही बहुत टाइट है। वो देखे ना, आपने इसको खुद ही चावल कह दिए, फिर आप इसकी बात का एतबार भी कर रहे हैं। और ऐसा ऐसा करें ना, आप सैटरडे का दिन ना टाइम करें, उस पे हम आपकी जबरदस्त किस्म की रिकॉर्डिंग करें। गुड मैन, अब मैं मुतमईन हूं आपसे। आपने तारुफ नहीं करवाया है, नाम तो बताएं प्यारा सा। दिस मैन, मेरा नाम सूरज है, सूरज। और मुझे सितारा कहते हैं। कौन सी? वो मेकअप वाली सितारा मैडम। रेडी वन। तुझे मैं गरम हो जाऊंगा तो मुझे मरीख कहते हैं। वो क्या, इधर हमने रिकॉर्डिंग की डेट रखनी है, पूरा सोलर सिस्टम इधर ले आयो तुम लोग बीच में है? बी क्वाइट। कोई नहीं, थोड़ा सा मैं यू नो मामला जरा सेट रखने के लिए करना पड़ता है। ये तो जरूरी है। अच्छा मुझे ये बताएं, कोई एडवांस आप देंगे? दिस मैन, रेडी वन। वो जो रिकॉर्डिंग जिस दिन हमारी होगी ना, उसी दिन मैं आपको एडवांस चेक दे दूंगा, बाकी जो पैसे थे वो यहाँ पे खर्चा हो गया, देखे ना। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप हमें बताएं हमने क्या अरेंजमेंट्स करनी है आपके लिए। मुजरा नहीं होगा, सिंपल डांस वो भी नहीं होगा। अच्छा अच्छा, शुक्र है, नहीं तो मुझे खुद ही गेटअप करना पड़ जाता है। आपकी टीम में कौन कौन है? सारे मेल हैं। दिस मैन, रेडी वन। नहीं नहीं नहीं, आप अपने क्रू में लड़कियां डालें, कैमरामैन भी लड़की होगी, बूम ऑपरेटर भी लड़की होगी, मेकअप भी लड़की होगी, और इस चावल को निकालें क्योंकि इसका एंटीना ठीक नहीं है। हे, इस तरह कर रहा होता है। वजह क्या है इसकी? इसकी वजह यह है कि जिसके साथ मेरी शादी हो रही है वो बड़ी नेक और बापर्दा खातून है। नो प्रॉब्लम, जितना भी हमारा क्रू है ना, हम बुर्का पहन के आ रहे हैं, टेंशन कोई। हर सूरत आप लोगों ने करना है, क्योंकि 2 साल हो गए उसको मैं बिरयानी खिला रहा हूँ। हमें भी कोई बिरयानी खिला देता है। 2 साल आपने बिरयानियाँ खिलाई उसको, और उसके बाद मोटरसाइकिल पे छजियाँ को अमां की सैरें भी की हैं। मुझे ज़रा इल्म भी हो जाते हैं कभी कभी, मोकलात पड़े हैं मेरे, घूमते रहते हैं दुर्गर पहाड़ों में। दिस वन, छजियाँ का मामा का नाम नहीं लेंगे आप, वहाँ पे एक बहुत जालिम शख्स रहता है। कौन है वो मुझे बताएं, मैं उसको टोटे टोटे कर दूंगा। मेरा बाप? नहीं नहीं, टोटे टोटे का मतलब कि मुर्गी के छोटे 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 टोटे करके आपको बिरयानी खिलाऊंगा, मजेदार किस्म की। हफ्ते के दिन मैं आऊंगा और आप लोगों ने मेरा निकाह रिकॉर्ड करना है। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। सलाम अलैकुम। भाई तू ये क्या नाना कर रहा है मेरी बात पे, हर बात पे नाना कर रहे हैं।